बंकई का थैंक यू कुछ। अरे ताड़ी मारी। अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब, आगे सुबह सुबह उठाता जी मैनू जैदी ने। उठ उठ, आ गए मैं प्यार, मेरे को जब मेरी मशूक होंगी है तेरी मार की तेरी कन्नी का बच्चा बंद कर दे। नाश्ता तो कीता कोई नहीं, करे थे बस सुन जाते हैं सी बाहर। ते हुण सी जांदे आ बाहर, फिर अंडरन दादी ने छोटा जा काम आ, ठीक हो गया, पता नहीं अंदर की करी जान दे। छोटा जा काम के बैन से मैं आया यहां से। ए दादी कन की जाना वैसे आपा ये मतलब रिकॉर्ड हो रहा है। कर ले, ठीक हो गया। दादी जी सुन लो, अंकल दिलशाद रहा नु ना तेरा गौर ना सुनना है, निकाह भी कर देगा है। चलो ठीक है जी, दादी साहब जाना है, हम बाग में जा रहे हैं, बाग में जा के तो फिर वहाँ पे कोई चीज़ लेनी है तो वहाँ से लेके खा पी के नाश्ता वाश्ता करके, हाँ जी, तो फिर देखते हैं। इस वक्त मैं और दादी साहब बाग में जाने की पूरी तैयारी के अंदर है, ठीक हो गया। ये हम एक गली से गुजर रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ मतलब के इधर से शॉर्टकट हो जाता है बाग चक के अंदर से, यहाँ से हम जाएंगे बाहर। दादी साहब कौन कैसे लगती है? हाँ वो करो सब चंगी प्री लबड़ गई सी ना करके आ गए, हम मुंडे का गुजारा कर रहे हैं। दादी साहब खाओ समोसे। दादी नाश्ता कर लो बेटा। तो जैदी साहब और मैं फाइनली पराए बाग से पराई ज़मीन से चने का साग चोरी करके यहाँ पे आए खड़े बाग के अंदर अपने माल्टे लेने। तो अभी हम माल्टे तोड़ेंगे, भाई अब्दुल्ला आ रहे हैं। हाँ निकाल ली चाबी, भाई अब्दुल्ला आ रहे हैं तो बाग से माल्टे तोड़ के तो फिर जाएंगे हम। ये हम बाग में आए हुए हैं घूमने शूमने, उधर लगे तोड़ाई हो गई होनी ना इधर। आज की तो बागों का रेट भी बहुत ज़्यादा काके, इस बार माल्टे का रेट बहुत हाई है क्योंकि फसल कम है और वो जो है डिमांड ज़्यादा है। हाँ सही, इंजॉयमेंट वाला माहौल है यहाँ पे। अभी माल्टे तोड़ते हैं फिर वीडियो बनाएंगे। हाँ जी, तो अभी आया हूँ घर पे। आज ना सारा दिन मतलब बोरिंग सही रहा, कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं। रेहान आया था, रेहान को लेके तो मैं चला गया उधर बाग में, चले गए माल्टे शाल्टे लिए वहाँ से, फिर वहाँ पर वीडियो वगैरह भी बना नहीं सका क्योंकि वो काम करना हो तो फिर काम करते करते वीडियो नहीं बनती। माल्टे शाल्टे तोड़ रहे थे वो लेके आए अभी घर। अभी रिहान भी चला गया घर वापस, उठाया कमीने ने बड़ा अजीब से आके, मैं सो रहा था सीधा ही आ गया, आके कंबल उठाया मेरे ऊपर, मुझे उठा के चपेड़े मारने लग गया, उतना तंग करने लग गया, तो बड़ा मज़ा आया ना। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा ये। तो उसके बाद जो है सारी रात मैं कल नहीं सोया, एक वजह थी ऐसे ही बस ना तबीयत नहीं थी ठीक हो रही, तो उस ना उस वजह से बिल्कुल नहीं सो पाया मैं। उसके बाद जो है अब का सीन आगे का कुछ नहीं है, बस अभी खाना शाना खाते हैं। यकीन करो मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया हुआ, बस वो रास्ते में थे तो हमने ना वहाँ से खा लिए थे समोसे और बर्गर वगैरह खाते थे, एक घटिया किस्म के थे यार वो, तो एक चक्कों में इतने मिलते भी नहीं अच्छे। तो उससे ना जो मेरी तबीयत कल रात से ना इस मामले में डाउन है, तो अभी नाश्ता करता हूँ जाकर तकरीबन शाम के 5:30-6 बजे जब लोगों का रात का खाना होने लगता है मेरा नाश्ता होना, तब अभी नाश्ता करूँगा। फिर जो है कोई तबीयत बहाल होगी क्योंकि अभी ना वो सिर्फ पता नहीं किस तरह के ऑयल में बनाते हैं, तो उसी वजह से जो है ना तबीयत बड़ी ना अजीब सी, बड़े स्टोमच में बड़ा सा ना अजीब फील हो रहा है मुझे। तो आज का व्लॉग जो है ना वो इतना बोरिंग सा ही है, कोई इतना इंटरेस्टिंग है नहीं, बस यही एक माल्टे लेके आ गए। तो इसके बाद के लिए फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक और बोरिंग डे के साथ। बाय बाय, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब।